दही वड़े खाना हम सभी को बहुत पसंद आता है, लेकिन उसमें बनाने में जितनी मेहनत लगती है उससे काफ़ी आसानी से आज की जो डिश है वो बन के तैयार हो जाएगी, और ये है दही फुल्की। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 कप के बराबर बेसन। तो यहाँ पर फुल्की मैं दो तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पर बेसन में अब मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, और मैंने तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर यूज़ की है, अजवाइन डाल दूंगी थोड़ा सा क्रश करके, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और गाढ़ा घोल बनाकर इसे तैयार कर लेना है। इसके बाद इसे इतनी अच्छी तरीके से फेंटें जिसमें बहुत ही अच्छा सा एरिएशन आए, तभी हमारी फुलकियाँ एकदम फूली फूली बनेंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी और एकदम स्मूथ पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी बेसन में। तो यहाँ पर ये देखिए, पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं विस्कर से, फिर हाथों की सहायता से इसे फेंटना है, तभी इसमें बहुत ही अच्छा सा एरिएशन आएगा। अभी घोल मुझे गाढ़ा लग रहा था इसलिए करीब 1 से 2 टेबल स्पून पानी और डाला है। यहाँ पर ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है, और अब हाथों की सहायता से इसे फेंटना शुरू करें जब तक कि इसमें बहुत ही अच्छा सा एरिएशन ना आए। ये बैटर आपको अपने आप हल्का महसूस होगा। तो जितना चिपका चिपका ये बेसन का बैटर दिख रहा है, एक बार इसमें एरिएशन आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा सा फ्लफ़ीनेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हाथों से इसे फेंटते हुए करीब 5 से 7 मिनट तक इसे इसी तरीके से फेंटें, और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दें। बैटर का रंग भी अपने आप थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसन का जो घोल है लंप की तरह गिर रहा है। तो जैसे ही आप फेंटेंगे अच्छा सा एरिएशन आएगा, तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम रिबन जैसी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो अभी इसे करीब 3 से 4 मिनट के लिए और फेंट लूँगी, तभी ये जो बैटर है एकदम सही से बन के तैयार होगा। 10 मिनट तक इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारी जो फुल्कियाँ हैं एकदम ही फूली फूली बनेंगी। यहाँ पर ये देखिए, बैटर को चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर लेकर इस तरीके से पानी में डालें, और फिर ये देखिए ऊपर तैर आ रहा है, यानी कि ये जो बैटर है एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो एकदम इसी तरीके से बैटर को फेंट कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर 10 मिनट रेस्ट करते हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने चुटकी भर बेकिंग सोडा डाल दिया है, यानी कि ये खाने वाला सोडा। ये आपको किसी भी किराने के स्टोर में या सुपर मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी पूरे बेसन के घोल में। तो यहाँ पर बेसन के घोल की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। एक बहुत ही अच्छा सा एरिएशन और हल्कापन है बैटर में, तभी हमारी जो फुल्कियाँ एकदम गोल गोल बनेंगी। तो एकदम पानी के ड्रॉप की तरह उसका शेप आएगा। यहाँ पर ये देखिए, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें छोटी छोटी फुल्कियाँ डालनी है बेसन की, और इसे मीडियम आँच पर हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। छोटा छोटा पानी के ड्रॉप्स की तरह ये देखिए शेप आ रहा है, और बहुत ही दिखने में सुंदर है। तो इसे मीडियम आंच पर हल्का सुनहरा रंग आने तक फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फूले फूले ये फुलकियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आज मैं आपको 2 तरीके से फुलकी बनाना बताऊंगी। तो एक तो ये हो गया प्लेन वाला, और बाकी के बचे हुए बैटर में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा प्याज। प्याज डाल देने से फुलकियाँ और भी अच्छे से फूली फूली बनती हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्लफ़ीनेस आ जाता है उसमें। तो अगर आप पहली बार फुलकियाँ बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्याज ज़रूर डालें, अगर आप प्याज खाते हैं तो। अगर आप नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर प्याज डालकर अच्छे से मिक्स करके, फिर इसी तरीके से छोटा छोटा मिक्सचर हाथों में लेकर इस तरीके से छोटी छोटी फुलकियाँ बना लेनी है। ये देखिए, आँच को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है, तेल गर्म है लेकिन मैंने बहुत तेज़ आँच पर नहीं रखा है, नहीं तो फिर फुलकियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इस तरीके से बैटर तेल में डालना है, और पहले जैसे हमने फ्राई किया था हल्का सुनहरा रंग आने तक, उसी तरीके से फ्राई कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए, फुलकियों का बैटर अगर अच्छे से तैयार होता है तो ये बैटर कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी, और आप देख सकते हैं तेल एकदम साफ़ है। मैंने 3 से 4 बार इसमें फ्राई कर लिया है और बिल्कुल भी कहीं भी बेसन चिपका नहीं है। तो इस तरीके से ये देखिए, प्याज वाली फुलकियाँ भी बनके तैयार हो गई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त दिख भी रही हैं। तो दही में जब आपको यूज़ करना हो तो इस तरीके से प्याज वाली फुलकियाँ बनाकर ही आप डालें, तो उससे दही फुलकी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, फुलकियों को मैंने तेल में से निकाल लिया है, टिश्यू पेपर पे निकालूंगी जिससे कि एक्स्ट्रा तेल जो है पूरी तरह निकल जाए। फुलकियाँ फ्राई हो गई हैं, तो चलिए अब दही फुलकी बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने करीब करीब आधा किलो दही ले लिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी
आधा कप के बराबर पानी, 4 से 5 छोटा चम्मच चीनी, तो हल्का मीठापन इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। और फिर इसे अच्छी तरीके से फेंट लेना है। नमक स्वाद अनुसार यहाँ डाल दूंगी और थोड़ा सा काला नमक डालूंगी, चाट मसाला, जीरा पाउडर, इन सारे मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा दही में। तो दही को मैंने यहाँ पर अच्छे से फेंट लिया है, एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में दही तैयार हो गई है। तो फुलकियों को यहाँ डालकर करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे कि सारा पानी फुलकियाँ अच्छे से सोख कर लेंगी और इसमें भी दही का पूरा फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए तड़का तैयार करूँगी, जिसके लिए 1 टेबलस्पून तेल में राई, जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, इनको तड़का लगाकर इस दही के ऊपर से डाल दें, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फुलकियाँ बनके तैयार होंगी। तड़के में मैंने एक लाल सूखी मिर्च भी डाली है, तो इसका अलग ही फ्लेवर आता है तड़के में, तो इसे ज़रूर डालें। तड़का मैंने ऊपर से लगा लिया है। अब थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी इमली वाली खट्टी मीठी चटनी, ऊपर से थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर छिड़क लूँगी, तो बहुत ही फ्लेवरफुल ये दही फुल्की बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर ये देखिए दही फुल्की बनके तैयार हो गई है। ऊपर से थोड़े से मैंने बूंदी से भी गार्निश कर लिया है, तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिखेंगे। तो एक तरीके से बूंदी रायता का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर ये देखिए दही फुल्की दिखने में कितने अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिख रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लग भी रहे हैं। तो आप इस तरीके से एक बार दही फुल्की ज़रूर बनाकर देखें, सबको बहुत पसंद आएगा। इसे खाने के साथ एक एज अ साइड डिश सर्व करें, सब बहुत मन से खाएंगे और हमेशा इसी की फरमाइश करेंगे। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।